तो इतनी हाई रेंज जो क्रिएट हो जाती है इस सिंगल पेपर में वो आई डोंट थिंक कोई और पेपर इतना क्रिएट कर पाता है तो अगर आप एक डेफिनेट स्ट्रैटी और एक सही कोर्स ऑफ पाथ को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इस पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं सबसे पहले मैं एक दो मिथ बस्ट करना चाहूँगा इस पेपर के रिगार्डिंग फर्स्टली जिन लोगों का लैंग्वेज पे बहुत कमांड है या बहुत फ्लारी लैंग्वेज लिखते हैं ओनली दे सिक्योर हाई मार्क्स ऐसा कुछ भी नहीं है कंटेंट इज़ वॉट मैटर्स और आपने उसको किस तरीके से रीअरेंज और ऑर्गेनाइज और किया है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स नॉट द पावर ऑफ योर लैंग्वेज इट इज़ हाउ यू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड आप उसको कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और अपना पॉइंट प्रूव कर पाते हैं एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा सेकेंडली एक बहुत ही बार कहा जाता है कि इससे बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए एंड आपको प्रोज लिखने हैं एंड कॉन्स लिखने हैं आई थिंक इट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्कूल काइंड ऑफ़ एस जो आप स्कूल में लिखा करते थे या कॉलेज में लिखते थे उससे यू पी एस सी एस बहुत डिफरेंट है इसमें आपको टॉपिक के रिगार्डिंग लिखना है टॉपिक बहुत बार आपसे चाहेगा आपका व्यू अगर उसमें क्वेश्चन है आई मीन से कैन इंडिया अचीव एक्स वाई जेड टारगेट इन से टू थाउजेंड फिफ्टी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए नाउ इट इज़ अप टू यू ये आपके ऊपर है कि आपका क्या ओपिनियन है तो आप पूरा ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं आप पूरे ऐसा को अपोज कर सकते हैं इसमें कोई बैलेंस व्यू रखने की ज़रूरत नहीं है सिमिलरली uh, एक और ऐसा टॉपिक uh, आ सकता है जिसके अंदर आपको किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने को कहा जा रहा है या उसको अपोज करने को कहा जा रहा है तो आपको उसी डायरेक्शन में अपने एस को ले जाना पड़ेगा तो जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी या जो भी टॉपिक की डिमांड होगी वो आपको सफेस uh, करनी होगी बिफोर आई स्टार्ट इन द स्ट्रेटेजी मैं बताना चाहूँगा कि टिल लास्ट ईयर दो एस आते हैं एंड एट ऑप्शन होते हैं सो बेसिकली आउट ऑफ द फर्स्ट फोर आपको एक चूज़ करना है और नेक्स्ट चार में से आपको एक चूज करना है एंड टोटल आपको दो एस एज लिखने हैं एंड दोनों की इक्वल वेटेज है एंड टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर इज टू फिफ्टी सो बिगिनिंग विद द प्रेपरेशन फॉर एस एस ए में स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगा इसके पहले मैं कॉन्टेंट की बात करूँगा एस ए का कॉन्टेंट इज़ समथिंग जो आपको कोई uh, सिखा नहीं सकता इट विल कम विद यर जनरल स्टडीज प्रेपरेशन ओनली आपकी रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी जीएस प्रिपरेशन ही आपको ऐसे का कंटेंट देंगे बट uh, uh, मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं एंड हाउ यू शुड कीप एन आई फॉर गुड कंटेंट जो ऐसे में यूज़ हो सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को पहले से देखेंगे और अपने माइंड में रखेंगे तो जब आप न्यूज़पेपर या कुछ भी अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आप उसमें से रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ ऐसे के अंदर सो जस्ट कीप दैट इन माइंड तो आगे के लिए आपको अच्छा होगा एस एज नॉट एन ओवर नाइट प्रेपरेशन ये एक मैराथन है जो आपको थोड़ा पहले से स्टार्ट करनी होगी तभी आप फाइनल डे अच्छा कर पाएंगे सो बिगिनिंग विथ स्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग में एस ए का एक पर्टिकुलर फॉर्मैट होता है एंड एवरीबडी इज़ फ्री टू राइट इन एनी वे कोई पॉइंट्स में भी लिख सकता है कोई पैराग्राफ्स में लिख सकता है कोई भी तरीका है आपका आपका इट्स इट्स अप टू यू मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और मैं एक स्ट्रक्चरिंग यूज़ करता था जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं मैथड फॉलो करता था रिगार्डिंग एस राइटिंग इज़ टू स्टार्ट एंड एस ए विद हुक द फर्स्ट पार्ट को हुकहते हैं एंड अगर आप जैसे हम लोग स्कूल या कॉलेज लेवल में ऐसे लिखते थे यूजली इट्स विद डेफिनेशन तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप डेफिनेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ से ना स्टार्ट करें जो रीडर को इंटरेस्ट ना करें तो कुछ ऐसा कुछ कैच ही होना चाहिए आपके ऐसे में जो एकदम से यू नो एग्जामिनर की अटेंशन को स्ट्राइक करता है सो आई वुड रिक्वेस्ट कि यू प्लीज़ बिगिन योर एस ए विथ समथिंग कैची समथिंग स्ट्राइकिंग इसीलिए इसको नाम दिया गया हुक एस ए का एंड आई वुड एडवाइज कि इट कैन बी अ कोटेशन इट कैन बी अ फैक्ट अ फैक्ट जो सरप्राइज कर दे रीडर्स को कि ऐसा भी होता है इट कुड बी अ शॉर्ट स्टोरी दैट कैन बी अ गुड स्टार्ट फॉर अ फिलोसोफिकल एस ए आई विल गो इन टू दैट ऑल्सो एंड या फिर आप uh, कोई एनेक्टोड कुछ भी यूज कर सकते हैं समथिंग विच इज डिफरेंट दैट इज द हुक सेकेंड स्टेज वुड बी द थीसीज ऑफ द एस ए थीसिस ऑफ द एस एज बेसिकली द समरी ऑफ द the entire essay दैट यू आर गोइंग टू राइट एक से डेढ़ पेज में आप एग्जामिनर को बता देंगे कि मेरे आगे वाले हिस्से में क्या आने वाला है कि उसे एक जस्ट मिल जाएगी बट मेक श्योर कि आप इसकी वर्डिंग्स अलग रखते हैं बाकी के हिस्से से एंड रिगार्डिंग हुक हुक कैन बी फ्रॉम टू टू थ्री लाइन्स टू मैक्सिमम हाफ अ पेज इससे लंबा हुक नहीं होना चाहिए देन कम्स द नरेशन पार्ट नरेशन uh, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नहीं भी लिखना चाहें तो स्किप कर सकते हैं बट इट इज़ जनरली अ काइंड ऑफ अ कनेक्टर बिटवीन योर थीसज एंड योर मेन बॉडी या डायमेंशन जब आपकी आने वाली हैं तो इसमें आप एक अलग एलिमेंट ला सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप uh, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं आप सपोज आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे उप, के ऊपर आपका एक ऐसे का टॉपिक है दैट वेदर इट इज़ रेलिवेंट इन टूडेज टाइम और नॉट इट वॉज द टॉपिक ऑफ टू थाउजेंड सेवेंटीन ऐसे एंड उसमें आप ने पहले अपना हुक यूज़ किया आपने अपना थीसिस में अपनी समरी एक्सप्लेन की देन नरेशन में यू कैन एक्चुअली टेल अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कि वो क्या थी कैसे इवॉल्व हुई हु हुर द लीडर्स एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया एंड देन यू डायरेक्टली हिट एट द बॉडी पार्ट तो रीडर को आप एक अलग स्फर भी दिखाते हैं अपने हिस्से का और अपने नॉलेज का एंड बट इट शुड कनेक्ट स्मूथली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नरेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आप क्या थीसेज या आप क्या यू नो बॉडी लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा माइंड में रखें अदरवाइज आप डायरेक्टली बॉडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं नाव कम्स द बॉडी और द डायमेंशंस एस्पेक्ट ना इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप चार पांच ब्रॉड डायमेंशन बना लें uh, जैसे आप एस को जब ओपन कर रहे हैं आई टीच यू हाउ टू ओपन एन एस एल्सो जब आप टॉपिक को ओपन कर रहे हैं तो उसमें एक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक काफ़ी सारी ऐसी डायमेंशन मिलेंगी आपको तो छः सात आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे उनको फिर आप रीअरेंज और क्लब कीजिए कि मैं सोशल इकोनॉमिक को अगर एक साथ जोड़ सकता हूँ पॉलिटिकल को सेपरेट रख सकता हूँ एनवायरमेंटल एक डायमेंशन जा सकता हूँ जितनी हम न्यूअर डायमेंशन डालेंगे दी एग्जामिनर विल लाइक इट जितना खोल सकें इससे कोई जितना आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं उतना बेटर है बट जस्ट डोंट पुश इट टू मच लेकिन जितना भी न्यूअर डायमेंशन है एनवायरमेंट सिक्योरिटी यू कैन डू दैट देन यू जस्ट क्लब दो गुड पॉइंट्स टुगेदर एंड क्रिएट थ्री और फोर डायमेंशंस जिनके ऊपर आप वन वन एंड हाफ पेज ईच लिख सकते हैं नाउ दैट विल बी योर बॉडी सो योर बॉडी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट डायमेंशन जिसको आप पॉइंट में लिखेंगे और आप एक हेडिंग डालेंगे इट इट हैज टू बी वन हेडिंग ब्रॉड हेडिंग उसके अंदर आप उसको डिस्कस करेंगे देन आपकी नेक्स्ट ब्रॉड हेडिंग आएगी आप उसको डिस्कस करेंगे थर्ड वन फोर्थ वन एंड सो ऑन इट शुड बी मोर देन थ्री बट लेस देन सिक्स इतना मैं आपको एडवाइस करूंगा क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपने क्लबिंग ठीक नहीं की है और अगर आप बहुत कम डायमेंशन लिख रहे हैं तो या तो आपने एक डायमेंशन में बहुत चीज़ें घुसा दी हैं या फिर आपका कंटेंट कम है सो जस्ट मेक श्योर कि ये ना हो दैन द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट इज एट लीस्ट एक पेज का और इफ़ नॉट वन हाफ अ पेज एट लीस्ट वन पेज आई वुड सजेस्ट का कंक्लूजन होना चाहिए जहाँ पे आपने अपना पॉइंट तो कन्वे कर दिया है उसमें आप एक फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन डाल सकते हैं कि ओके okay, अभी ऐसा हो रहा है मे बी इन द फ्यूचर ऐसा ऐसा करने से सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल दैट कैन इंडिया बी अ सुपर पावर बाई ट्वेंटी फिफ्टी एंड उसमें आपने मे बी आंसर को सपोर्ट किया है या निगेट किया है जो भी किया है से यू हैव सपोर्टेड बट आपने कहा है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में डिफिकल्ट है तो आपने पूरा इससे कवर करने के बाद आप कंक्लूजन को एज अ फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म या सोल्यूशंस का जरिया दे के आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उसमें आप बता सकते हो कि ये चार पाँच पॉइंट्स अगर फ्यूचर में किए जाएँ तो येस इंडिया कैन बिकम अ सुपर पा तो यू कैन यूज़ द कंक्लूजन मेरा एक और भी स्ट्रैटेजी uh, रहती थी कि एग्जामिनर को तो पता नहीं कि आपने कितने डायमेंशन सोचे हैं कभी चांस कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आपके पास कंक्लूजन का एक जरिया रहता है आप उसमें उसको किसी तरीके से घुसा के आप अपना पॉइंट कन्वे कर सकते हैं सो दैट इज़ वन एरिया विच यू शुड फोकस एंड कंक्लूजन शुड बी स्ट्रांग वन आई वुड एडवाइज यू टू एंड दी एस विद इन कोर्ट नाउ आईड लाइक टू फोकस ऑन द कॉन्टेंट पार्ट ऑफ दी एस ए कॉन्टेंट के लिए आपको बेसिकली uh, मैं एडवाइज करूँगा कि आप एक कोटेशंस का डेटाबेस बनाएं जिसके अंदर आप मैं एवर नोट यूज़ करता था तो एट टाइम्स न्यूज़पेपर में कोई एक अच्छी एडिटोरियल्स uh, में यूजुअली इट दे आर स्टार्टेड विद अ गुड कोटेशन और समथिंग या कुछ ऐसी आपको स्ट्राइकिंग पॉइंट या फैक्ट मिले उन सबको आप पिक्चर uh, क्लिक कर लीजिए या कलेक्ट कर लीजिए और एक फोल्डर बना लें ये दिस नॉट समथिंग जो ओवरनाइट क्रिएट होगा तो आप डिजिटली करना चाहते हैं या पेपर में ये आपका uh, ही आई मीन चॉइस है बट डू मेक अ कलेक्शन ऑफ कोट्स बाद में uh, आप थीम्स बनाएं कोर्ट्स का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज भी कोर्ट्स को रीअरेंज किया था अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कोई ऐसे आता है तो इस टाइप के कोर्ट्स uh, का एक पेज तैयार किया है ऑल साइलेंसिंग इज़ अ साइन ऑफ इन्फेलेबिलिटी बाई जे एस मिल यू मस्ट क्वेश्चन दोज इन पावर टू अचीव टू डेमोक्रेसी श्री प्रणब मुखर्जी तो इस टाइप के स्ट्राइकिंग कोर्ट्स कोर्ट्स में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट कोर्ट्स रखें एंड ऑफ uh, फेमस पीपल आर आई मीन जो बहुत ही जा, जाने माने लोग हैं उनके कोटेशंस रखें एंड टू द पॉइंट हो और आपकी यू नो ऐसे में फिट हो रहे हों जस्ट बिकॉज आप दस कोर्ट याद करके आए ये नहीं uh, मतलब कि आप उसको कहीं भी घुसाएंगे जहाँ पे उसका डिमांड है कोर्ट का बेसिकली पर्पस ये कि जो चीज़ आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ये उसको और आप मतलब रीडर का फेम आई मीन फेथ अफर्म करेगा उस कंटेंट के ऊपर मतलब और उस चीज़ को uh, री करेगा आपके पॉइंट को स्ट्रेंथन करेगा आपके आर्ग्यूमेंट को तो उस तरीके से कोर्ट को यूज़ करना चाहिए आ, रही बात थीम्स की तो आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर सर्टन सेट ऑफ थीम्स आप कुछ ऐसे पाँच छः थीम्स तैयार कर लीजिए जिनके ऊपर अब उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप प्रिपेयर्ड हैं जैसे आप एक एजुकेशन पे थीम प्रिपेयर कीजिए वमेन इश्यूज पे आप थीम प्रिपेयर कीजिए हेल्थ पे थीम प्रिपेयर करें सिक्योरिटी इश्यूज एन्वायरमेंट एक न्यू टॉपिक है जिस पे आप थीम प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से मे बी डिज़ास्टर कैन बी वन ऑफ देम तो आप ऐसे छः सात ब्रॉड थीम्स प्रिपेयर कर लीजिए कोटेशंस uh, का मैंने uh, पहले एक कंपाइलेशन रखा है उसके बाद कुछ अच्छी रिपोर्ट्स यू uh, एन रिपोर्ट्स और भी जो भी स्टडीज की गई हैं उसका डेटा कलेक्ट किया है देन टूवर्ड्स दी एंड और कंटेंट और जो भी वीमेन रिलेटेड स्कीम्स मुझे मिली मैंने उनका एक पेपर uh, पे समरी बना के या कंपाइलेशन करके उसको भी इसके साथ कलेक्ट कर लिया सो ना दीज एट टू टेन पेजेस दे कवर माई कम्प्लीट वेमेन इशूज़ रिलेटेड टू एस ए तो दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली फॉर एस ए ये आपकी जी एस की भी तैयारी करा देगा एंड uh, एक थीम प्रिपेयर किया हुआ कोई भी आपको ऐसे आता है तो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ योर वर्क इज डन आपको बस उसको तोड़ मड़ोड़ के उस एस ए की डिमांड को सर्व करना है बाकी आपका कंटेंट तैयार है इट इज़ ट्रस्ट मी एनी डे बेटर देन क्रिएटिंग अ न्यू एस ए आप जितने भी बड़े ज्ञानी हैं वहाँ बैठ के सडनली कोटेशन सडनली डेटा और टू द पॉइंट चीज़ नहीं बना सकते एक व्यक्ति जिसने पहले प्रिपेयर किया है वो उसको बेटर मेन्यूअर करके आ, कर सकता है ऑन अ लाइटर नोट मैं एक मतलब आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रिपेयर करके गए हैं ऐसे काओ के ऊपर एंड ऐसे आ गया माए गार्डन के ऊपर तब आप क्या करेंगे तो आप बताइए गार्डन के बारे में उसके बाद बताइए वहाँ आपने जो काओ बांधी हुई है और फिर लिखिए काओ के ऊपर so uh, that this is a lighter i mean uh, i mean in a joking way but uh, that's your approach uh, that's how your approach should be ki aap uh, jo prepare karke gaye hain aap usko tod madod ke mold karke aise ki demand ko kare at the same time you show the examiner that you have some good rich content with you when i say good content it includes reports जैसे कि स्टैंडर्ड गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स एआरसी reports के बारे में आप बता सकते हैं law commission की कोई report है आप उसके बारे में बता सकते हैं प्राइवेट एन की जैसे प्रथम ए इनका डेटा बहुत ही रिप्यूटेड है न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं कोई यू एन हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स हंगर इंडेक्स इसमें रैंकिंग पोजिशंस आप ये सब जब यूज़ करेंगे अपने ऐसे में तो एक स्ट्रेंथन करेगा एक आपके आर्ग्यूमेंट को एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको कुछ लोगों के ओपिनियंस को लिखना बहुत ज़रूरी है जैसे अगर आप सेक्युलरिज्म के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं आप रिलीजन के ऊपर लिख रहे हैं तो कुछ लोग हैं जैसे आशीष नंदी जी और जो हु आर वेरी फेमस एंड रिलेटेड टू दिस फील्ड अगर आप उनके भी व्यू पॉइंट्स को प्रिपेयर करते हैं एंड यू मेक इट अ पार्ट और इनकॉपरेट इन दैट इन योर एसे तो दैट विल गिव यू द चेरी आई मीन वो उसका जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे दैट विल बी डिफरेंट सो कंटेंट पे आपको ऐसे प्रिपेयर करना है यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर गुड थिंग्स न्यूज़पेपर में और जहाँ भी मिले योजना अदर मैगजीन जो आप uh, लिख रहे हैं एंड कीप क्रिएटिंग थीम्स

एंड डिपेंडिंग ऑन दी एस ए मैं ये कैची कोट या फ्रेज उस जगह यूज़ करूँगा एंड यू कैन प्रिपेयर इट इन लाइक पार्ट्स जैसे आप सिर्फ एक ऐसे उठाएं आप सोचें कि आज मैं सिर्फ इसका थीसिस लिखूंगा इसके लिए सिर्फ नरेशन सोचूंगा तो आपको पूरा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस फेज में आप अपने माइंड में सोच लीजिए कि इसका हुक ये हो सकता है इसमें मैं ये नरेशन यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर मेरी ये डायमेंशनस होंगे एंड लेटर ऑन जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएँ तो आप बहुत ईजिली डे टू डे बेसिस पे तीन चार ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं एंड यू कैन फॉर्म डायमेंशन आउट ऑफ दैम तो डोंट डू दी अदर टास्क आप जस्ट पाँच छः पॉइंट्स बना लीजिए कि हाँ ये छः पॉइंट्स हैं और मैं इनको एक्सपैंड करके पूरा एस से क्रिएट कर सकता हूँ सो इट शुड भी दैट क्विक लाइक शुरू में आपको टाइम लगेगा ऐसे बनाने में शायद चार पाँच घंटे लग जाएंगे अच्छा ऐसे लिखने में ग्रेजुअली धीरे 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 आपको उससे कम करना है एंड फाइनली यू हैव टू राइट टू एस्सेज इन दो थ्री आवर्स एंड ली कंटेंट एंड द क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत लोग फिनिश नहीं कर पाते इससे का पेपर एंड एक और प्रॉब्लम होती है पहला एस सब अच्छा लिखते हैं क्योंकि उसमें आप बहुत टाइम लगाते हैं सेकेंड एस में आप प्रेशर में होते हैं लास्ट के दस मिनट में आप क्या लिखेंगे आपको खुद समझ नहीं आ रहा होता सो माई एडवाइज इज टू आप दोनों एस से इक्वल बेटेज दें क्योंकि एक एस पे सिर्फ मार्किंग नहीं हो रही है एग्जामिनर को पता लगता है कि आप जब सेकेंड एस की आपकी क्वालिटी कम हो रही है तो आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रखा था तो डेढ़ घंटा जब आपका हो जाए तो आप बिल्कुल रुक जाएँ और आप सेकेंड एस के ऊपर स्टार्ट हो इनफैक्ट आई वुड यू नो एडवाइज़ की आप पहलास्से जो आपका स्ट्रॉग ऐ एस ए है उसको आप एक घंटा बीस मिनट में खत्म करने की कोशिश करें ताकि आपका जो थोड़ा स्लाइटली वीकर ऐसे है उसमें आप वन आर फोर्टी मिनट्स के अराउंड देख सकते हैं देट वुड बी अ गुड स्टेप बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड वन टॉपिक आई वुड जस्ट टेक इट लाइक उसको किस तरीके से किया जा सकता है तो टू थाउजेंड सिक्सटीन का एक टॉपिक था नीड ब्रिंग्स ग्रीड इफ इट इंक्रीजेज इट्स पॉइ ब्रीड तो इस टाइप का ऐसे uh, मैं इसलिए उठा रहा हूँ बिकॉज इट्स अ फिलोसफिकल और सेमी फिलोसफिकल काइंड ऑफ ऐसे यू शुड प्लीज़ प्रिपेयर फॉर फिलोसफिकल एस एज़ ऑल्सो काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत आती है और वो थोड़े वेग होते हैं बट ट्रस्ट ट्रस्म दै वेरी स्कोरिंग और बहुत ईजी होते हैं एक बार आप उनको लिखना सीख जाओ यू जस्ट नीड टू डेवलप दैट फ्लेयर ऑफ राइटिंग एक फ्लो आपको चाहिए अगर आप उसमें अच्छे हैं तो ज़रूर लीजिए आई वुड आई यूज टू ऑलवेज ट्राई टू राइट वन फिलोसफिकल ऐसे एंड नॉट ओनली दैट आपको करना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार ऐसे हुए हैं कि यूपीएससी आपको ऑप्शन नहीं देता है आई एम नॉट श्योर वेदर इट वॉज टू थाउजेंड फिफ्टीन आई थिंक सेकेंड एस में चारों टॉपिक्स फिलोसफिकल थे अब इस सीनारी में आपके पास चॉइस नहीं है आपको एक ऐसे लिखना ही है फिलोसफिकल तो आप ज़रूर दो तीन ऐसे एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाइए जो फिलोसफिकल हैं इस टॉपिक को आप ब्रेक कर सकते हैं एंड सबसे पहले आप एक एक वर्ड को उठाएं जैसे नीड है नीड में आपके लिए नीड क्या है क्या मतलब हो सकता है फूड वाटर शेल्टर किस टाइप की ह्यूमन नीड्स होती हैं मैस्लोवेन नीड्स होती हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं सो फर्स्ट जस्ट ब्रेन एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए और एक एक वर्ड उठाइए और उसको ब्रेन करिए नीड से आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है देन ग्रीड से आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है नाउ जैसे uh, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए ग्रीड इज मे बी मटेरियलिज्म इट्स प्रॉब्लली थिंग्स यू ओन बट यू डू नॉट नीड इट इज़ अ यूटिलिटेरियन अप्रोच हॉब्स ने कहा है देर इज़ अ डाइकोटमी बिटवीन अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लिमिटेड गुड्स आप इस वर्जन uh, को देख सकते हैं बुद्धिज़्म में एक तृष्णा की बात हुई है दैट इज योर डिजायर्स देन देर इज आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके बाद आप इफ़ ग्रीड इंक्रीजेस इसका एक पार्ट है कि इफ ग्रीड इंक्रीजेस तो आप उसको एज अ क्वेश्चन लीजिए और आप उसको ओपन uh, करें कि क्या हो सकता है लाइक क्वेश्चन बनाइए वॉट इफ द ग्रीड इंक्रीजेस तो उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी तो उसमें आप बता सकते हैं अगर ग्रीड इंक्रीज हुई तो क्राइम्स बढ़ेंगे थेफ्ट होगी रॉबरी पोलिटिकल लीडर्स विल यूज इट फॉर देयर ओन पर्पज और नेक्स्ट पार्ट आता है इससे का इट स्पॉइल्स ब्रीड तो यू हैव टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर हाउ डज इट स्पॉल ब्रीड मतलब आर्टिफिशियली आप ऐसे अपियर uh, या अटैम्प नहीं कर सकते हैं स्पॉयल ब्रीड में आपको बताना होगा किस तरीके से तो so, आप इसके सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल फॉल आउट्स बता सकते हैं सोशल में इट विल कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्रेटर्निटी इट विल मे बी ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ इंसर्जेंसी नेक्सलिज्म इनक्वालिटी बढ़ेगी इकोनॉमिक में देर इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म वन डायमेंशनल मैन है हर्बर्ट मार्क्यूजे का देन देर इज द वेल्थ एक्मलेशन डिस वेल्थ प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मार्क्सिज्म आप इसको बहुत डायमेंशन में ले जा सकते हैं दी आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ फिलोसफिकल एस एज लाइस कि आप उसको कितना अपनी नॉलेज आप उसमें दिखा सकते हैं एग्जामिनर को इसके बाद आप इसमें बता सकते हैं कि वो कैसे ब्रीड को स्पॉइल करता है इसमें आप गांधी कोट्स बता सकते हैं इन इक्वालिटी जो होगी सोसाइटी के अंदर द कांड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज दैट विल अराइव द वैल्यू सिस्टम दैट विल भी डिस्टर्ब इन द सोसाइटी एक एथिकल पर्स्पेक्टिव ला सकते हैं आप इस हिस्से में दिस इज अ लॉट दैट यू कैन राइट एक और मैं आपको एंगल दिखाना चाहूँगा कि द थाट्स दैट यू कैन इंक्लूड जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं या डिफरेंट आइडियाज हैं जो आप इंकॉपरेट कर सकते हैं अपने हिस्से में फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज़म बुद्धिस्ट थाट क्या है ग्रीट के ऊपर Uh, दुखम समुदाय क्या है एट फोल्ड पाथ क्या है आपने सब हिस्ट्री में पढ़ा आप इसको इसमें इंकॉपरेट कर सकते हैं तृष्णा की जो वैल्यू है उसको आप बता सकते हैं गांधीन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप इज़ बेसिकली द प्रमाइस ऑफ इंडियन सोशलिज्म आप कैसे ग्रीड को मिनिमाइज़ कर सकते हैं तो आप ट्रस्टीशिप थ्योरी बता सकते हैं गांधी जी की इसके अंदर आप इसमें बता सकते हैं उनके बहुत सारे कोटेशन हैं जैसे यू कैन नॉट शो द सीड्स ऑफ अ बबूल प्लांट एंड एक्सपेक्ट रोज लार टू पॉप आउट समथिंग लाइक दिस आप बता सकते हैं एंड देर इज ऑल्सो Uh, I mean India is uh, giving back to the society, CSR, Plato, Jain uh, concept है इसके अंदर बहुत सारे आप school of thoughts include कर सकते हैं। एक चीज जो मैं आपको सारे type of essays में recommend करूँगा is giving contemporary examples। अगर आप अपने essay को examples के साथ substantiate करते हैं, that is very 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 helpful। and specifically philosophical essay में तो आप जरूर एक या दो uh, you know examples रखेगा उससे essay की length बढ़ाना भी easy हो जाता है। otherwise at times आप content में short पढ़ते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में मैं आपको बता सकता हूँ कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनके पास सारी बेसिक नीड्स हैं बट फॉर देयर ओन ग्रीड दे वेंट फॉर ऑयल वॉर्स एंड उन्होंने ग्लोबल पीस को डिस्टर्ब कर दिया दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ जियो पोलिटिकल डायमेंशन ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट चाइना जहाँ पे कंट्री कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल कम्युनिस्ट मॉडल दोनों फॉलो कर रही है एंड येट दे हैव मोर इगेटेरियन सोसाइटी दैन दी अदर्स एंड ग्रीड को वो कंट्रोल कर रहे हैं यू कैन टॉक अबाउट इंडिया वेर यू कैन गिव कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स लाइक वेदांता ग्रुप एंड द नियामगिरी ट्राइब्स दैट हाउ द कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी वन कंपनी और मे बी द ग्रीड ऑफ अ फ्यू कैन कॉम्प्रोमाइज द लिविंग राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल और द मार्जनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो आई थिंक दैट्सिक बेसिक आइडिया इफ यू वांट मोर then uh, you can, uh, uh, you, I, I can make more videos on essay topic specifically. You can write down your queries or uh, mail me or write-ups, small write-ups, maybe if you have doubts in theses or the kind of dimensions and I will revert. Uh, you can use my email id sorabsublok 124 at gmail.com. I repeat S-A-U-R-A-B-H S-A-B-H-L-O-K 124 at the rate gmail.com. Uh, you can mail me any queries related to civil services examination, uh, prelims, mains, or interview, and essay specific. I will try to answer at the earliest. So, please keep watching DKT and I shall be back with more videos and answering to your other queries. Thank you so much.